होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, 3/2 अलग और बाय टू, इनकी वैल्यू क्या होती है? -1 -4 cos a cos b cos c, करेक्ट ना? यस सर, तो ब्यूटीफुली आंसर आ गया भाई, 3/2 -1/2 -2 cos a cos b cos c प्लस 2 cos a cos b cos c, 1। ये आया एवरीवन? यस सर, यस सर। कुछ भी डाउट है बच्चों इसमें? नो सर, नहीं सर, नो सर। बारिश हैवी हो रही है सबके यहाँ? इधर अभी सर अभी बंद हो रही है, सर सुबह से बहुत जोर से मैं बहुत जा रहा थी, अभी बंद आज का अशुभ संकेत, जम के हो रही है आज बाहर जगह। चलो सर आज रिजल्ट भी कौन सा रिजल्ट डर गए हैं? एसएससी एसएससी स्टूडेंट का, और ध्रुविल का पूरा मूड खराब, टेंथ एसएससी ना? हाँ सर, हाँ सर। और पढ़ता है क्या उससे? नहीं सर, नहीं सर पढ़ते सर। लाइफ में तो फर्क पड़ता है, 10th और 12th के बोर्ड्स मैटर करते हैं, बट जेई के लिए फर्क नहीं पड़ता, गॉट इट ना? हां सर, यस सर, चलो सर। मेरे घर क्या सर, सुबह सुबह 4 फोन आ गए सर कि मेरा रिजल्ट है, रिलेटिव्स के, मतलब रिलेटिव्स के, कि क्या रिजल्ट आया? नहीं नहीं सर, के आ रिजल्ट है, क्या मूड है सर, परेशान कर रहा है उनको, बोलो बता दो, आपके बता दो पहले, ये सब तो कुछ काम के नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज डिस्कसिंग, ये हो गया, तो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे भी 12th बोर्ड में काफी पुअर थे सर, लेकिन आप आईआईटी गए ना? हां सर, अच्छा 75 के तो ऊपर ही होंगे, होंगे ना आईआईटी तो होंगे, नहीं होंगे? हाँ सर, तो मतलब अगर 12th में बुरा आया तो थोड़ी ना कोई एम्प्लॉयर बोलने वाला है आईआईटी में गए, लेकिन आईआईटी मैटर करता है, बट मैं तो क्या 11th के बाद जेई के करना तैयारी करना चालू किया था, 10th टू मतलब 11th में जेई की तैयारी नहीं करी, सो एंड दैट वन ईयर फिर मेरे को फोकस करना था जेई पे, बोर्ड्स पे, तो फिर बोर्ड्स की तो ऐसी हालत थी कि मेरे को प्रैक्टिकल लैब्स ही कहाँ थी, मेरे को वो तक नहीं पता था, समझ रहे हो? सर मतलब आपको 11th का भी जेई सिलेबस करना था 12th में? हाँ मतलब मैंने 11th के बाद ही जेई करा था, तब तक मैं सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करता था, मतलब एचसी वर्मा और ये सब तो करता ही नहीं था, आई डिडंट ज्वाइन एनी कोचिंग इन 11th, 11th के बाद ज्वाइन की थी, तो तब तक अपने हिसाब से थोड़ा यूं ही रैंडम करता था। अरे चेंज कैसे हुआ आपका? तो ज्यादा प्रेशर आया मतलब मूड हुआ दोस्तों को देख के कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर कर ली। ऐसे कैसे दोस्त है सर? फिर बाद में ये भी मेरी स्टोरी, चलो अब एक स्टोरी सुनाता हूँ, रेडी? ओके स्टार्ट डूइंग दिस टू क्वेश्चंस, उन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो। Come on everyone, first answer, जल्दी क्या करोगे? फर्स्ट है LCM लोगे ना obviously? Yes, yes. Sir, आप चेक कर सकते हो। सेकंड पर आदित्य प्रचंड करेक्ट, श्रीनिधि करेक्ट, यश रॉन्ग, प्रथम रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, अजय शत्रु करेक्ट, श्रीनिधि करेक्ट, आर्यमान करेक्ट, अंशु रॉन्ग, डोंट डू सिली मिस्टेक। जिसका भी आंसर लिख रहे हो लिखो, फर्स्ट का ये है, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसका बोल रहे हो। खुशी करेक्ट, अंशु मिस्टेक,
जोशिया करेक्ट, रोहन करेक्ट, वरुण करेक्ट, शुभियान रॉन्ग। चलो फर्स्ट का तो इनफ टाइम, वो जाना चाहिए था अब तक। मेरे साथ देख लो बच्चों जिनका नहीं हुआ। एलसीएम साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए से कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों? साइन ए साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। साइन ए कॉस ए देख के चिल्ला के क्या बोलते हैं हम उसको? कम ऑन, साइन टू ए बाय टू, साइन टू ए बाय टू, हाँ है ना? हाँ सर। अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। अब ये बाय टू सब में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एवरीवन। हाँ सर। और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। उसका कोई रिजल्ट है क्या हमारे पास? फोर साइन ए, इतना इजी देखो, इसलिए रिजल्ट याद कराएं। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड करो। डन सर। गोपाल करेक्ट, आदित्य करेक्ट, सेकेंड एवरीवन हरी अप। युवांश करेक्ट, यश करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट, क्योंकि जिनका हो गया मैंने करेक्ट बोल दिया, मैं उनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। सुन लिया? अंशु करेक्ट, ऋषि करेक्ट, प्रथम करेक्ट, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। डन? यस सर। एक सेकंड सर। डोंट वरी अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इफ यू आर नॉट डन विद दिस, क्योंकि ये नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। और अभी सेकंड पे फोकस करो, 30 सेकंड्स और। जोशिया करेक्ट, खुशी करेक्ट, जय करेक्ट, निगांश करेक्ट, लास्ट 10-20 सेकंड्स फॉर सेकंड, देन आई विल डू दैट। जय करेक्ट, निगांश करेक्ट, बोल दिया आई थिंक, तेजस करेक्ट, चलो शुभियान मिस्टेक। सेकंड मेरे साथ देखो जिनका नहीं हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी इज पाई एंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी टेन बी टेन सी पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैंने सिमेट्री देखी कि बी और सी को साथ में रखा गया है। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? हां सर। सर यहां पे बी प्लस सी को साथ में रख दिया मैंने, और पूरे क्वेश्चन में कॉस कॉस वो चिल्ला के बोल रहा है, तो हम भी कॉस ले लें दोनों तरफ। हां सर। यस सर। कॉस बी प्लस सी is cos of pi minus a। क्या फॉर्मूला होता है cos of b plus c का एवरीवन? cos b cos b cos c cos a minus sin b sin c। and what is cos pi minus a? minus cos cos a। i hope यहां तक ओके। नाउ अब सब कुछ b और c में पूछा है, तो फिर a को रख देते हैं ना b और c में एवरीवन। हां सर। यस सर। सो cos b cos c minus sin b sin c is minus cos b cos c। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो कितना आ गया? Twice cos b cos c is equals to sin b sin c। अब तो हो गया ना ब्रो? हाँ सर। Yes। cos b cos c से डिवाइड कर दिया ताकि tan b tan c बनाने के लिए, हमें पता है converting sin and cos into tan is an art। Yes sir। tan b tan c is equals to 2। Easy, बस follow the chain of thoughts, कहीं से भी chain of thoughts की, अच्छा b और c साथ में रखें, cos है। Is that understood everyone? Yes sir। Yes sir। Copy pass।
चलो आई थिंक हो गया ना कल को। हाँ सर, जस्ट गिविंग यू न्यू क्वेश्चन, जस्ट 5 seconds। करो ये वाला क्वेश्चन। Do this question. After you copy the question, starting ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता जिसको hint hit नहीं हो रहा हो। Starting will be using what? A plus B A minus C. Open करो, come on. A plus B, A minus B के बाद ओपन करा तो स्क्वायर आ रहे हैं। हाँ सर। यस। एंड हैव वी लर्न्ड एनी टिप कि स्क्वायर को कैसे हटाते हैं? यस सर। हाँ यार बच्चों। बस करो। वैसे जब मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस है हमें, बहुत सारे फंडे इसलिए लिखे हमने। वेरी गुड जय गुरी, परफेक्ट आंसर। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो बच्चे। एक आध स्टेप मैं कर रहा हूं अब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 sin A sin B। अब इसके बाद ओपन करूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 sin A sin B माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 3 sin A sin B। तो ऑब्वियसली साइन ए साइन बी को कलेक्ट करो और स्क्वायर हटाओ। अब मुझे चिल्ला के बोलो स्क्वायर कैसे हटाते हैं? 1 minus cos square by 2। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके थ्रू हटाओ जल्दी से। हाँ ध्रुव करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बच्चे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। सर मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आइदर स्पीक लाउडली और राइट डाउन ऑन द चैट, डोंट से द आंसर। साइन स्क्वायर को क्या रखेंगे? 1 minus cos 2 है। बस एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, तुम ही करोगे उसके आगे। जय गुरी, मैंने जब दिखाया मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, उस समय क्यों नहीं लिया तूने स्क्रीनशॉट? सॉरी सर, जस्ट एक सेकंड दिखा रहा हूँ। रेडी है स्क्रीनशॉट के लिए? हाँ सर। ले लिया, थैंक यू। कम ऑन एवरीवन, कॉन्फिडेंस लाने का टाइम है। ये क्वेश्चन खुद से करोगे इट विल बूस्ट यू। तनिषा कर रही है ना?
यस सर. अक्षत यस सर. यस सर यस सर. इसके बाद क्या कर रहा है? दोनों अक्षत. हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो इसके बाद बोलो कुछ. टू को राइट में शिफ्ट करके ओपन कर रहे हो, कांस्टेंट इकट्ठा कर रहे हो, थोड़ा इस तरीके से मैनेज तो कर रहे हो ना? हाँ सर. हाँ. ध्रुव ध्रुविल कितने इस मैच में यार? ध्रुव ध्रुविल है, ध्रुविल तो चलो एक ही है, तीन तो ध्रुव ही है. जनमंजा है, क्या कर रहा है इसके बाद? जल्दी बताओ क्या लिखा अभी तक, कहाँ पे पहुंच गया तू जनमंजा है? तो माइक नहीं है आपके पास? अच्छा, माइक हमेशा होना चाहिए मेरी क्लास में, मैं बहुत बार भूल चुका हूँ. जवान यस सर. बता बच्चे क्या करा इसके बाद? सर टू को उस तरफ लेके गया. वेरी गुड. टू साइन है, साइन भी कांस्टेंट इकट्ठा करके बोल कितना हुआ? वन माइनस कॉस टू ए माइनस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी. वेरी गुड. तो अपन यहाँ से कॉमन लेके ऐसा लिख दें, चलेगा ना? यस सर. आई होप सब बच्चे कॉशियसली देख रहे हैं कि इसमें रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, सुन रहे हो? यस सर. यहाँ पे प्लस नहीं है तो मतलब यहाँ पे जो मेहनत मजदूरी वहां की है वही करनी पड़ेगी ना एक तरीके से. यस सर. यस यस एवरीवन. यस सर. यस करो फिर कॉस सी प्लस कॉस डी. कम ऑन, मैं नहीं कर रहा, तुम करो जल्दी से. और बहुत सारे बच्चे तो इसको शॉर्टकट की तरह, मतलब क्या 60-60 रख के भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, बट दैट इज नॉट अ मेथड. करेक्ट ना बच्चों? हाँ सर. यस सर. अभी हम मेथड कर रहे हैं, जल्दी से बच्चों. मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा एंड यू शुड इंटरेक्ट विद मी, दैट इज नॉट योर पनिशमेंट, दैट इज फॉर यू टू ओपन अप विद मी. आई विल नो मोर अबाउट यू ओनली इफ यू इंटरेक्ट. यस खुशी इंटरेक्ट करेगी मेरे साथ, कह रहा हो खुशी? कोई भी कह रहा हूँ बोलो क्या लिखूं? टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी. वेरी गुड. आप कॉस टू सी को कैसे स्प्लिट करना चाहिए इसको देख के? माइनस टू कॉस स्क्वायर सी प्लस वन. टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन, राइट? करेक्ट कह रहा हो? यस सर. सो वन माइनस कॉस ए प्लस बी. अब तू रहने दे, बस काफी बोल दिया तूने. खुशी जैन माइक ऑन. यस सर. यस बच्ची, कॉस ए प्लस बी सेम एज? कम ऑन, इन टर्म्स ऑफ एंगल सी कॉस ए प्लस बी सेम एज माइनस कॉस सी. वेरी गुड. माइनस कॉस सी इनटू कॉस, बाकी सब तो एक जैसा लिख दो जल्दी से.
cos a minus b minus 2 cos square c minus minus plus 1 equal to 2 sin a sin b. सब बच्चे मेरे से आ गए ना? हाँ सर. आगे होने चाहिए, मैं तो बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ. 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 cos c cos a minus b, बोले कॉमन में लेते जाओ, बस गलती नहीं होगी इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ. माइनस माइनस प्लस 2 cos square c. 30 seconds I am waiting for you to give me answer. Aditya mistake, Nishit correct. मेरा मैं पेपर देख रहा हूँ ना, बहुत इजी है, बस थोड़ा केयरफुली करना. सुन रहे हो? सिली मिस्टेक्स नहीं. ओके यस. बहुत सारे तो अपन ने जो रिजल्ट्स याद करे हैं वैसे ही तुम्हें याद हो जाएंगे, देख लेना. इस बार इतना इजी बनाया हमने. एनीवे, खुशी करेक्ट प्रथम. नो Not good यार, आदित्य मिस्टेक. आर्यमन एंगल सी पूछा है बच्चे. कैरव करेक्ट. तनिषा करेक्ट. गुड, अब मजा आ रहा है. गोपाल करेक्ट. आर्यमन करेक्ट. तो गोपाल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, काफी धीरे आया है. साम्याक नॉट गुड. चलो मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं. प्लीज सी ऑन द स्क्रीन इफ यू आर नॉट डन. कहीं भी मिस्टेक हो गई है मेरे साथ देखो. 2 cos c कॉमन, cos a माइनस b प्लस cos c, करेक्ट ना बच्चों? यस सर. यस सर. तो वापस इस cos c को a और b के टर्म्स में लिखना चाहिए. यही प्रैक्टिस करी हमने, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. तो यू कैन टेल मी क्या लिखूंगा, प्लस में या माइनस में? माइनस cos a प्लस b. याद आया बच्चों? Yes, sir. नहीं, इतना अगर तुमने नोट्स को रिवाइज करके प्रॉपरली कर रहे हो तो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना चाहिए. ओके एवरीवन? यस यस. ओके जल्दी से फिर मुझे इसकी वैल्यू बोलो. व्हाट इज दिस? सेम एज 2 sin a cosine b इक्वल्स टू 2 sin a sin b. वेरिएबल्स को यूजुअली कैंसिल नहीं कर सकते, बट मैं कैंसिल कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो जीरो नहीं हो सकते. एग्री? यस सर. अगर तुम्हें ये लाइन, एक चीज अब मैं बता ही देता हूं ताकि बार-बार नहीं पूछोगे. अभी तक बचपन में मैंने क्या एडवाइस किया था कि वेरिएबल को कैंसिल मत किया करो, याद है? Yes. मेरे साथ देखो. Yes. इक्वेशन में वेरिएबल्स को दोनों साइड पे कैंसिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. क्या करना चाहिए? कॉमन लेना चाहिए. हाँ है ना? Yes. उसके बाद एक आंसर क्या आएगा, x equals to zero, और दूसरा आंसर ऐसा आएगा ना एवरीवन? Yes, दिख रहा है यार, आज क्या हुआ? जोश ठंडा है, कहीं और ध्यान है, कुछ और कर रहे हो? नहीं सर. नो सर. ध्यान से इधर देखो. बट अगर तुम्हें पता है कि x जीरो नहीं है तब तो काट सकते हो ना, क्योंकि वैसे ये नहीं आएगा फिर तो आंसर. हाँ है ना? यस सर. समझ रहे मेरी बात को? हां सर. इफ यू नो कि दैट वेरिएबल इज नॉट जीरो, देन यू कैन कैंसिल इट. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. तो यहां पे मैंने साइन ए को काट दिया. क्यों? व्हाई? क्या बच गया? 2 cos c = 0 या 1? 1.
So therefore, cos C equal to half. Therefore, angle C is how much? 60. Fast copy. नहीं मिला शिवांश रोहन गुड किसी बालक बालिका को डाउट एनीबडी नो सर आगे बढ़े फिर एवरीवन यस सर We are moving on. I hope you are done. Yes, sir. Yes, sir. Last topic of this chapter is फिर एक दो miscellaneous topic तो मैं अलग से पढ़ूंगा but major last topic range of trigonometric functions. Range word हमने पहले सुना हुआ है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सुना हुआ है quadratic में करा है नहीं करा है? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Discriminant method याद आया everyone? ये सब बेसिक तो पता ही होना चाहिए क्लियर यहाँ तक अब बेसिक अगर पता है तो देखो रेंज के हम तीन चीजें सीखते हैं चलो एक तो रेंज ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ये सब पता ही है बट इसमें अभी मैं थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दूंगा देन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक सबके एग्जांपल बताता हूं मैं चलो बेसिक में मतलब मुझे इसकी रेंज तुम्हें सिखानी है कि रेंज ऑफ 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 की कितनी होगी या मैं प्लस 3 कर दूं तो कितनी होगी मोस्ट ऑफ यू नो कि यार ये सर ये तो आता ही है हां है ना यस सर यस सर तो हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक एनी एग्जांपल एनीबॉडी So, cos square theta minus cos theta plus 1 है trigonometric quadratic? Yes, sir. Yes, sir. This, if you are not realized, this you already know. इसका answer तुम्हें आता है, but practice कराऊंगा मैं अभी. आता है नहीं आता है? What do you think? आता है, sir. आता है, sir. Yes, sir. आता है, तो अभी सीखोगे वैसे भी. तीसरा is a sin theta plus b cos theta, जो बोली हम next class में करेंगे. आज ये पहले दो की practice करेंगे. ये एक नया चीज़ है, ये this will learn. तो पहला अभी कुछ कॉपी नहीं करो पहला बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा की रेंज आती है तो क्या तुम में से कोई भी इतना उल्लू है क्या कि जो साइन थीटा प्लस 3 की रेंज नहीं बता सकता मुझे बता सकता है नहीं बता सकता है बता सकता है सर क्या बोलता था मैं उसको इनसाइड आउट मेथड याद आया एवरीवन यस सर इनसाइड आउट मतलब स्टार्ट विद द रेंज ऑफ दैट जिसमें वेरिएबल हो तो वेरिएबल 3 में है साइन थीटा में उसकी रेंज लिखो और 3 ऐड कर दो बस आए ना माइनस 1 प्लस 3 से 1 प्लस 3 हो जाएगी याद आ गई अब तो इनसाइड आउट मेथड क्या बोलते हैं इनसाइड आउट मेथड क्या नाम स्टैंडर्ड है क्या ये बुक्स में मिलेगा क्या नहीं सर जीकेएम सर के नोट्स में मिलेगा तो बिल्कुल क्लियर यहां तक एवरीवन यस सर बोलो 3 cos theta minus 7 स्ट्रगल करोगे या कर लेंगे मुट्ठी में बोलो मुट्ठी में करेंगे मेथड सबसे पहले इसकी रेंज -1 to -1 इंटरेक्ट विद मी जवाब देते जाओ देन इस पार्ट की रेंज -3 to -3 अब इसमें क्या करना है सिर्फ -7 -7 -10 -4 यस सर कोई प्रॉब्लम नो सर सर Okay, then अगर मैं इसकी रेंज पूछूं y equals to sine of 2 theta
दिमाग नहीं होगा सर। हाँ सुनना सुनना एक बार गोपाल रुक जा, मैं रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज को आउटपुट से मतलब है, अंदर थीटा क्या हो रहा है या टू थीटा का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ है ना? यस सर। पांच सेकंड, पांच सेकंड के बाद इसकी रेंज सोच लो, इसकी रेंज सोच लो, पांच सेकंड यू हैव, उसके बाद चिल्लाएंगे। इसकी रेंज माइनस वन टू वन है, इसकी रेंज भी माइनस वन टू वन है, जल्दी से कमाओ, कंफर्टेबल हो? तो अगर कोई पूछेगा सर फिर डिफरेंस क्या है, यहाँ तो टू थीटा है, वहां तो थीटा ही है, तो डिफरेंस इनपुट में है, ये टू थीटा, सॉरी ये वन कब हो रहा है, जब टू थीटा पाई बाय टू है, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। यस जल्दी से चमकाओ सर। यस सर। जब टू थीटा की वैल्यू पाई बाय टू डालोगे तभी साइन पाई बाय टू वन होगा ना बच्चों? यस सर। फिर थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर पे मैक्सिमम हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? यस सर। व्हाइल ये मैक्सिमम कब हो रहा है, जब थीटा पाई बाय टू है, हाँ है ना? यस सर। डिफरेंस इनपुट में है या डिफरेंस आउटपुट में? इनपुट, इनपुट में, बट इनपुट तो रेंज को कोई मतलब नहीं होता है, रेंज को मतलब होता है आउटपुट से, तो इसकी भी रेंज माइनस वन टू वन है, इसकी भी रेंज माइनस वन टू वन है, इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। कॉपी करो यहाँ तक, फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चार्ट बनाना हो तो तुम्हारी इच्छा है। तो संडे को आज के भी क्लास का इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं। ओके सर। Yes, everyone done? चलो कर लो, कर लो, नोट की तरह लिखना हो तो खुद के वर्ड्स में लिख लो। अगर साइन के अंदर कुछ भी चीज है, कोई भी एंगल, इट डजंट मैटर, उसकी रेंज क्या होगी बच्चों? माइनस वन टू वन। व्हाट चेंजेस इज इनपुट, तुम्हें लिखना हो तो लिख दो, व्हाट चेंजेस इज इनपुट, रेंज डजंट चेंज। इस बार ट्रेको के टेस्ट में फुल में से फुल आने चाहिए, सुन रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ट्रेको में कोई डाउट आउट तो नहीं है, कल हमने ले लिए थे, बट उसके बाद भी कुछ है क्या डाउट? नहीं सर। नो डाउट। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट के 15 मिनट मुझे स्पेंड करने हैं क्या, उसमें कोई डाउट हो? सर। सर आप क्लास के एंड में अपना व्हाट्सएप देख सकते हो, मैंने दो क्वेश्चन भेजे थे, मुझे पता नहीं अगर वो ट्रिगो रेशियोस के क्वेश्चन या इक्वेशन। ग्रुप पे भेज दे ताकि क्या सबका फायदा होता है। ठीक है सर। ठीक है।
अब तो हो गया ना लाइक हूं यस सर कैन आई मूव एवरीवन डन यस सर चलो फाइंड द रेंज सर आंसर्स भेजना है नहीं नहीं बिल्कुल बहुत इजी चीजें तुम्हें ही पता है नो नीड टू सेंड ओके सर चार क्वेश्चन 30 सेकंड्स इनफ है या 1 मिनट सर हो गया 30 सेकंड्स ओके चलो डिस्कस करें एवरीवन सर हाँ बच्चों हो गया सबका हाँ सर चलो यस सर इसकी रेंज -1 to 1 करेक्ट ना हाँ सर यस सर तो ये -2 से 2 हो गया यस सर और फिर -1/3 करना है तो -2 -1/3, -2 -1/3 तो आंसर क्या हो गया -7/3 कोई इश्यू माइनस करते हैं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है करेक्ट ना हाँ सर -5 to 5 और उसमें -3 करना है नेक्स्ट साइन के अंदर ऐसा कुछ भी हो तो डजंट मैटर -1 से 1 करेक्ट ना सबको क्लियर है कोई डाउट तो फिर क्या होगा मतलब सेम ही होगा सर साइन ऑफ कॉस थीटा अंदर कॉस थीटा कोई बात नहीं बच्चों इसमें -1 to 1 करेंगे फिर उसका ग्राफ से थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि साइन का ग्राफ देखना पड़ेगा
माइनस वन टू वन के बीच में, ये माइनस वन पे वैल्यू और ये वन पे वैल्यू, तो माइनस साइन वन से साइन वन होगा। बट अभी ये पार्ट पढ़ा है, ये करना अलग से। क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट, अब पार्ट बी पे आ रहे हैं, कौन सा? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक, ठीक है? यस सर, यस सर। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक की रेंज कुछ भी नई चीज नहीं है, यू विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हां सर, देख लो, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, y equal to sin square theta माइनस थ्री साइन थीटा प्लस वन, चलें? चलो सर। ओके, कैसे करेंगे? अगर कोई अनकंफर्टेबल है पहली बात तो डायरेक्ट भी कर सकता है, तो वो साइन थीटा को टी लिख देगा, हाँ है ना, या एक्स लिख देगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गई, नहीं हो गई? यस सर, हो गया। अब क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए क्या ऐड करूंगा, क्या सबट्रैक्ट करूंगा, याद करके बताओ। अब चलो चिल्ला के बोलो कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है या अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है? कम ऑन, अनरिस्ट्रिक्टेड, इसलिए थोड़ा अक्कल कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑटोमेटिक एक्स भी माइनस वन से वन हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक जो ये होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है, सुन रहे हो एवरीवन? यस सर। इसलिए एक्स में लिखा है, बट फिर रेंज निकालने से पहले एक्स को वापस लिखा करो ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. लिखो बली साइन थीटा में लिखो जो तुम्हारी इच्छा है, बट ध्यान रखो कम से कम ये माइनस वन टू वन है। तो बताओ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेंज लिखते हैं या फिर गोल्डन क्वेश्चन? गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं। गोल्डन क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इज दिस इक्वल टू जीरो पॉसिबल और नॉट, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम बताओ साइन थीटा क्या थ्री बाय टू हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर, नहीं हो सकता। गोल्डन क्वेश्चन का आंसर नो आता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स। याद आया एवरीवन? हां सर, बट इतना लिखना नहीं चाहिए, बोथ एट बाउंड्री पॉइंट्स। आई होप याद आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। सो देयरफॉर इसकी मिनिमम कब पे हो जाएगी, अब जब साइन थीटा को क्या रखोगे, वन वन, और मैक्सिमम कब हो जाएगी जब साइन थीटा को क्या रखोगे, माइनस वन। चलो साइन थीटा को वन रखो और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, वन माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर, हाँ है ना? हाँ सर। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा को कितना रख रहे हैं एवरीवन? माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री बाय टू कितना हो गया, माइनस फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू का स्क्वायर कितना हो गया, ट्वेंटी फाइव बाय फोर। ये परफेक्ट स्क्वायर की रेंज आई है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? y की रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या माइनस करना है हमें? 5/4। सो देयरफॉर उसकी रेंज हो जाएगी 1/4 माइनस 5/4 से 25/4 माइनस 5/4। याद आ गई ये सब चीजें? हां सर, याद है। यस सर, माइनस 1 से 20/4, दैट इज, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बताओ यहां पे कुछ भी नई चीज पढ़ाई है या सब रिवीजन है? बताओ, रिवीजन है सर, रिवीजन। क्लियर? यस सर, यस सर। चलो क्वेश्चन करोगे,
So trigonometric, quadratic, just little bit practice that we are doing. उससे ज़्यादा कोई नया कुछ भी नहीं है. Is that clear, everyone? Yes, sir. Everyone done? Copy हो गया? Yes, sir. No, sir. जल्दी करो, जल्दी करो. सर, एक मिनट में हमारा रिजल्ट आने वाला है. क्या बोल रहा है बच्चे? एक मिनट में हमारा रिजल्ट आने वाला है. अरे ठीक है, उसको भूल जाए. आराम से बाद में देख लेना, कोई चेंज नहीं होने वाला है. सर, स्टार्टिंग में तो इनका सर्वर पूरा हैंग ही रहा. हां सर, क्रैश हो जाता है. सभी साइट क्रैश होगा अभी. इसके बोल रहा हूं, अभी डोंट बी बॉदर्ड बाय दैट. अभी भूल जाओ उसको. ठीक है बालकों, अब तो यस सर. यस, कोई डाउट किसी को? अदरवाइज विल डू न्यू क्वेश्चंस नाउ. Can we move then? Yes, sir. Yes, sir. Chalo karo. सबका आंसर लिखना है. फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, ऐसा लिखते जाओ. कम ऑन.
तो इसका सबका सही है, वेरी गुड। क्लोज ब्रैकेट्स माइनस वन टू इलेवन, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। जिसका नहीं आया मैं उसके लिए करूंगा, बट खुद चेक करो अपनी मिस्टेक्स। ओके, फर्स्ट किसी की गलती हो गई तो मैं कर रहा हूँ उसके लिए, प्लीज सी दैट। साइन स्क्वायर माइनस सिक्स साइन प्लस नाइन प्लस फोर माइनस नाइन, इन तीनों ने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। साइन थीटा माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फाइव। अब जब साइन थीटा माइनस थ्री का होल स्क्वायर की रेंज निकाली तो हमें पता है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। गोल्डन क्वेश्चन पूछा, आंसर नो आया। सो मिनिमम कहाँ पे, जब साइन थीटा को वन रखूंगा, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन रखूंगा तो सिक्सटीन। सो अब माइनस फाइव करना है, फोर माइनस फाइव माइनस वन, सिक्सटीन माइनस फाइव, इलेवन आंसर। गुड, सेकंड का आंसर सर भेजा चैट पे। हाँ सर भेजा, दो तीन का अलग अलग आ रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ किसका सही है। कम ऑन, सेकेंड का आंसर है थ्री बाय फोर से थ्री। जो जो बच्चे नालायकों ने गलती करी सही करो। सेकेंड वाला भी किसी को डाउट है तो शुड आई डू एवरीवन सेकेंड? यस सर। डाउट है? यस सर। चलो देख लो, बट वेरी पुअर अगर डाउट है तो। कितनी बार कर लिया, क्वाड्रेटिक ही है। कॉस स्क्वायर माइनस कॉस, तो मिडिल टर्म क्या है माइनस वन, उसका आधा क्या हो गया माइनस वन बाय टू, उसका स्क्वायर क्या हो गया वन बाय फोर, ऐड करेंगे करेक्ट? यस सर। इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया कॉस थीटा माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर, और वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर। अब सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की रेंज निकालेंगे, कीपिंग इन माइंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। गोल्डन क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है यस या नो? यस सर। तो सोचना ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, याद आया? Yes, sir. और मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे होगी, दिख रही है माइनस वन पे होगा, माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर नाइन बाय फोर। जिनको डाउट है क्लियर है? यस सर। सो अब क्या करना है लास्ट में, सिर्फ प्लस थ्री बाय फोर, तो जीरो प्लस थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर, नाइन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर। आंसर क्या आ गया? थ्री बाय फोर से ट्वेल्व बाय फोर, दैट इज थ्री। अब तो क्लियर है बालको? यस सर। तो गलती क्यों हो रही है? Anybody wants to share? क्यों गलती हुई सेकंड में?
सर माइट बी गोल्डन क्वेश्चन नहीं पूछा रहेगा डायरेक्ट सर करेगा गोल्डन क्वेश्चन तो पूछना ही है सुन रहे हो ना इसलिए तो उसको नाम दिया मैंने गोल्डन क्वेश्चन व्हाट इट यस सर थर्ड अच्छी तरह करो चलो नो मिस्टेक यार इसमें साइन भी है कॉस भी है कैसे करेंगे आप दिमाग लगाओ किसको हटाओगे जल्दी से करिए थर्ड का चलो अब आंसर चैट पे देखें किसी का आया क्या अलग अलग बहुत आ रहा है तो आई एम गिविंग यू स्टिल टाइम सब बच्चे अपना चेक करो और फिर यू थर्ड लिखो उसके आगे लिखना 100% सर यही है नहीं तो गाना गाएंगे हम इतने रेडी हो तभी आंसर शेयर करेंगे क्लियर हाँ सर एक मिनट में आंसर तो आराम से चेक कर लो फिर लिखो चैट पे कि यस दिस इज द आंसर 100% और वो गलत हुआ तो गाना या डांस जो भी करा सकता हूं आई थिंक नहीं 100% करेक्ट ऐसा लिख के तो इसलिए चेक कर लो यू टेक 1 मिनट 2 मिनट आई डोंट केयर चलो अब देखें कौन 100% ओके आर्यमान कॉन्फिडेंट है आदर्श ने 100% नहीं लिखा तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ 100% लिख के बताओ सो श्रेयांश बोल रहा है 100% ये श्रेयांश फिर आर्यमान बोल रहा है 100% ये ओके साहिल 200% तो ये तो डांस करेगा गलत बात हो नहीं गोपाल मैं साहिल गोपाल शुभियान 100% नहीं लिखा तो मैं नहीं देख रहा हूँ नचिकेत अभी गाने का मन नहीं मतलब बहुत सारे गाने तो सुने देंगे हम ये तो कंफर्म हो गया है ना ध्रुवित पहले से पक्का है वो गाएगा सबके साथ है ना नहीं है कृति 100% ओके सर मैंने इस वाले को ग्राफ से सॉल्व किया था तेरे को जैसे करना हो करे यार मुझे कोई मतलब नहीं है यू आर वेस्टिंग अ टाइम इफ यू आर डूइंग बाय ग्राफ अच्छे तो जरूरत नहीं है ओके दिशांत -1 से ओपन बोल रहा है ये तो पहले से गाना गाना चालू कर दे तू नालायक ओके लास्ट मैं लिख रहा हूँ -26/4 से 1/4 प्रणव मुरली ठीक चलो अब चेक करते हैं
और ये सब बच्चे माइक के साथ रेडी हो जाना, इंडियन आइडल चलेगा अभी ना। सर आंसर क्या है सर पहले? वो तो मैं को क्या पता, मैं भी चेक करूंगा, मैं तो कुछ भी रैंडमली लिख दिया। यस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, करेक्ट बच्चों? हां सर। यस सर। सो माइनस 3 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस प्लस 1, साउंड गुड? यस सर। डिवाइड बाय यस सर। अब मैंने क्या सिखाया था कि ये मिडिल टर्म 3 नहीं है, उसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। हां है ना? तो माइनस 3 कॉमन लेना पड़ता है, याद आया एवरीवन? यस सर। को बाहर रखते हैं, देखो बिल्कुल सही लिखा है एवरीवन। यस सर। तो इनमें से कोई बच्चे हैं जिन्होंने 3 के हिसाब से 3/2 9/4 ऐड करके आंसर दे दिया तो बता दो भाई, 9/4 ऐड करके? नो, ठीक है। और बच्चा बस इसका ध्रुव और लिख लेता हूँ, ठीक। चलो लेट्स कंटिन्यू, क्या ऐड करेंगे फिर? प्लस 1/4 माइनस 1/4, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। माइनस 1/4 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाहर आ जाएगा, एग्री करो? यस सर। यस सर। ये तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कॉस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर विद माइनस 3। आर ऑल ऑफ अस ओके यहां तक? यस सर। यस सर। तो माइनस 3 इंटू कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7/4, साउंड गुड? यस सर। यस सर। बहुत बच्चों ने जिन्होंने यहां तक गलती कर दी, बता दो भाई इनमें से कौन है वो? सेलेनो सर। प्रियांश सर। नचिकेत। नचिकेत। नचिकेत सर। प्रियांश 1 + 3 अपॉन 3 / 4 ऐड करना भूल गया, जो भी भूल गया भूल गया, गलती गलती। ओके आगे देखते हैं। कृति भी गलत। प्रणव कुमार। हाँ प्रणव मुरली भी गलत। हाँ यस सर। ओके तो आप बताओ सबसे पहले किसकी रेंज निकालते हैं? सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की रेंज निकालते हैं, यस और नो? यस सर। इनसाइड आउट। यस नो? यस सर। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कॉस एक्स को 1 डालूं या माइनस 1 डालूं? माइनस 1। आई होप इतना तो अक्कल लग जाती है ना बच्चों? माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। माइनस 3 से करो तो फिर साइन रिवर्स होगा, याद है ना? यस सर। तो माइनस 3 इंटू 9/4 से माइनस 3 इंटू 0, सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस सर। माइनस 27/4 से 0, अब लास्ट में क्या ऐड करना है? 7/4। तो माइनस 20/4 से 7/4, that is final answer is minus 5 से 7/4, कौन सही है? सिर्फ ए से कोई, आर्यमन राइट? आर्यमन। हां सर पहले वो ही लिखा था फिर उसको चेंज किया होगा। चलो माइक ऑन कर दो, अब इंडियन आइडल चालू करेंगे। चलो 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 सर, मैं हिमेश रेशम यहां। नहीं नहीं रुक जा, चुप रहे, स्कोर देंगे, चुप रहे। पहले तो एक बार सब बच्चे माइक ऑन मुझे दिखने चाहिए। एस से श्रेयांश, जल्दी माइक ऑन करो यार, मेरे को क्या इंडिविजुअल से ना पकड़ना। यस सर। काला पानी सजा देना दे रहे हैं। ऑन नेक्स्ट सर। थोड़ा टैलेंट दिखना चाहिए। नो टैलेंट सर। ठीक है। सर ऑन है। प्रणव मुरली। कहाँ है ये? सर आप एक भूल रहे हो। प्रणव मुरली नहीं दिख रहा है मेरे को इसमें। और ये एस से कौन था? श्रेयांश और एक साहिल दानु का। हाँ गोपाल माइक ऑन। यस नचिकेत ऑन। ऑन है सर। यस सर। ओके डी से ध्रुव कहाँ है? सर ऑन है माइक। ऑन है ठीक। कौन सा गाना गाओगे? ओके तो बस रिकॉर्डिंग बंद थी। ये रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में ये गलत है, ये समझाया मैंने, वो देख लो। ओके copied everyone? Yes sir. ये भी लिख लो जो मैं करेक्ट मेथड बोल रहा हूँ। a sin theta plus b cos theta की रेंज होती है माइनस अंडर रूट a square plus b square से प्लस अंडर रूट a square plus b square। कॉपी कर लो ये।
कैसे आएगी वो नेक्स्ट क्लास में प्रूव कराऊंगा, अभी बस लिखा रहा हूँ। माइनस ऑब्वियसली माइनस अंडर रूट के बाहर है। मतलब पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, फिर उसकी माइनस से उसके प्लस तक रेंज हो जाएगी। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो लिखना बंद करो, एक बार कहीं भी हो लिखना बंद करो। रेडी? यस सर। तो ये बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या इसी कैटेगरी में आ रहा है क्या? हाँ सर। कितना है? 1 1 कितना है? 1। तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? √2। देयरफॉर इसकी रेंज एक्चुअली कितनी है? -√2 -2 से 2 नहीं है, दिख रहा है? हां सर। ये कैसे आया वो सब बाद में बात करेंगे, बट ये रूट टू कब हो रहा है? 45 45 पे हो रहा है, वो सोच भी सकते हो। हाँ सर। बट अभी सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना सीखना है। इज दैट ओके यहां तक? यस यस सर। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का भी निकाल सकते हैं क्या इसी फॉर्मूला से? हां सर। यस सर। अच्छा माइनस कर दूंगा बीच में तो भी कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। मैंने कहीं लिखा है क्या कि a और b पॉजिटिव होने चाहिए? लिखा है क्या? नो सर। यस सर। तो a कौन है यहां पे? 3 कौन है यहाँ पे? -4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 तो इसकी रेंज क्या हो गई बोल दो? -5 थिंग यस और नो? यस सर। कर लो कॉपी कर लो एक एग्जांपल। हो गया सबका? यस सर। किसी को कोई डाउट यहां तक? डाउट तो सिर्फ एक ही आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहां से आया। हाँ है ना? Yes, sir. So that is your homework to prove it. Clear यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट के लिए आराम से कॉन्फिडेंटली जाओ, वेरी इजी टेस्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स अगर फंडे याद है। क्लियर? Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.